हुई है, क्या है मामला? ये कटनी के एक व्यापारी हैं जो कि साइकिल पार्ट्स और साइकिल से रिलेटेड जो आइटम है इसका सप्लाई करते हैं। तो यहाँ सागर में अपना बिजनेस के सिलसिले में आए हुए थे और लगभग 3:30 बजे के आसपास जब ये एक साइकिल शॉप में 10-15 मिनट बैठने के बाद बाहर निकले तो 3 युवक जो कि अपने चेहरे को लपेटे हुए थे, इन्होंने आके इनका बैग छीन लिया। बैग में लगभग 6 लाख रुपए होना ये बता रहे हैं। और इसके बाद पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी की और देहात को भी हमने जो हुलिया आया है नवयुवकों का उस आधार पर पॉइंट किया है। और जो पुराने हमारे इस तरह की वारदात करने वाले बदमाश हैं उनका इतिहास भी हम खंगाल रहे हैं और कई इसमें अभी क्लू हमको मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पुलिस टीम है मेहनत कर रही है और जल्दी हम इस मामले का खुलासा कर रहे हैं। सर, फुटेज देख के लगता है पहले से रैकी चल रही है ना, उनको अंदेशा था कि कितना माल है, क्या है, कहाँ से आ रहा है ऑलरेडी? ये इसलिए बात सही है क्योंकि संडे है आज और जैसा बताया कि अधिकांश दुकानें बंद रहती हैं और इनका यहाँ मूवमेंट हो रहा था इतने अधिक कैश के साथ, तो एक संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं अपराधियों को ये जानकारी थी कि ये एक इतना बड़ा कैश लेके यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। और ये भी संभव है कि कहीं ना कहीं इनकी रैकी की गई।